हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक न्यू यूट्यूब के वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यूट्यूब चैनल की सेटिंग 2022 में अपने चैनल के लिए कैसे करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि वो एक भी स्टेप छूटना मैं यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं, जो कि आपके लिए यूट्यूब चैनल की सेटिंग क्या होती है वो पूरी तरह इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, और एक एक स्टेप स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन से मतलब यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा क्या क्या चीज़ होती रहती है। तो आप लोग इस वीडियो अगर देख लेते हैं पूरे लास्ट तक, तो मैं यहाँ पे गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी यूट्यूबर से सवाल नहीं करेंगे कि कृपया हमारा चैनल चेक कर दीजिए, हमारे चैनल में क्या प्रॉब्लम है, ये सभी जानकारी आप वहाँ पर नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो को बने रहिएगा लास्ट तक, पूरी डिटेल में बताऊंगा कि 2022 में यूट्यूब चैनल की सेटिंग कैसे करते हैं, और इसको सीखने के बाद दोस्तों आपका चैनल जो होता है कि यहाँ पे 100% ग्रो भी होगा, और यहाँ पे जो भी अगर अदर पर्सन कोई आपका वीडियो देखता है तो आपके चैनल पर जब भी विजिट करेगा तो आपके चैनल पर जब भी आएगा तो वो देखेगा कि वह क्या चैनल की सेटिंग हुआ है, और वहाँ पे जरूर आपको सब्सक्राइब करेगा, आपको वीडियो को देखेगा। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार गुप्ता विदाउट फनी, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टेक सनी। अभी तक दोस्तों इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुरंत जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। या दोस्तों जो भी आप लोगों के मन में सवाल होते हैं तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, और दोस्तों प्रमोशन वाला कोड कहीं ना कहीं इस वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लीजिए, और जो आज की जो सेटिंग है दोस्तों मोबाइल से ही बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं, और चलते हैं सीधे अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम आ चुके अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा यूट्यूब के फुल सेटिंग के बारे में, जो कि दोस्तों हर एक यूट्यूबर को करना 2022 में जरूरी है, जो कि नए यूट्यूबर है। लगभग दोस्तों यहाँ पे सारे गलतियां देख रहा हूँ कि नए यूट्यूबर किए हुए हैं, जो कि अपने यूट्यूब की सेटिंग नहीं किए हैं, और बराबर उनका चैनल ग्रो भी नहीं हो रहा। तो आज की इस वीडियो में चैनल का ग्रो के लिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को समझाने वाला हूँ कि यूट्यूब में पूरी सेटिंग अपने चैनल की सेटिंग कैसे करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा। वीडियो थोड़े बड़े होंगे दोस्तों, लेकिन दोस्तों 2022 की एक नॉलेजेबल वीडियो आपको लिए होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अपने मोबाइल पे आ जाना है। मोबाइल पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली खोलना है अपना क्रोम ब्राउजर, जो कि आपके सभी मतलब मोबाइल में होना मतलब होगा दोस्तों, यहाँ पे खोल सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं गूगल के ऊपर आ गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं गूगल में आपको यहाँ पे लिखना है जो कि youtube.com, जो कि यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे youtube.com करके लिख दिया और यहाँ पे सर्च किया। अब जैसे मैं दोस्तों यहाँ पे सर्च किया, तो यहाँ पे ऊपर में आपको कोने में 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल रही है। मैं यहाँ पे आपको मोबाइल से समझा रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग इसको ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर यूट्यूबर जितने भी यूट्यूबर ज्यादातर उन लोगों के पास मोबाइल है, ठीक है, डेस्कटॉप पे भी करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों 3 डॉट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है ऊपर में, और दोस्तों नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आपको नीचे में दिख जाएगा डेस्कटॉप साइट, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब जैसा कि दोस्तों मैं डेस्कटॉप साइट पर जैसे ही क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप लोग को करना क्या है कि अपना जो यूट्यूब का चैनल का लोगो है इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना, और योर चैनल के ऊपर जो योर चैनल का ऑप्शन देखने को मिल जा रहे हैं इसके ऊपर आप लोग को क्लिक कर देना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, और आपको अगर ये सेटिंग अगर आप जान जाते हैं तो आप मतलब यहाँ पे एक नए यूट्यूबर जानते हैं, यहाँ पे जरूर आपके लिए चैनल के लिए एक सक्सेसफुल यहाँ पे सेटिंग हो सकती है, और अपना यूट्यूब चैनल की भी सेटिंग हो सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमाइज चैनल और मैनेज वीडियो का ऑप्शन पहले देखने को मिल जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कस्टमाइज चैनल के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये ओपन हो रहा है, और आपको आपका यूट्यूब का जो चैनल का डैशबोर्ड मतलब यहाँ पे चैनल कस्टमाइज के नाम से आपको ओपन हो जाएगा, जो कि इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं दोस्तों साइड में चैनल कस्टमाइजेशन है। अब ये इसका सेटिंग आपको पहले बता दे रहा हूँ कि इसमें करना क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं कि चैनल कस्टमाइजेशन है, उसके बाद दोस्तों साइड में आपको देखने को मिलेगी डैशबोर्ड, वीडियो प्लेलिस्ट, एनालिस्ट सेटिंग और सेंड फीडबैक, मतलब यहाँ पे साइड में आपको देखने को मिलेगी, ऊपर में चैनल का लोगो देखने को मिल जा रहा है दोनों जगह, लेकिन आपको साइड का बता रहा हूँ। और दोस्तों ये आपका चैनल का कस्टमाइजेशन है, जो कि आपको जैसे कि दोस्तों आपको साइड में दिखा दिया कि साइड में आपको एक टूल मिल जाएगा जहाँ पे आपको चैनल का लोगो मिलेगा, चैनल का डैशबोर्ड मिलेगा, चैनल का वीडियो मिलेगी, प्लेलिस्ट मिलेगा, एनालिस्ट मिलेगा, कमेंट्स एंड जो भी है दोस्तों यहाँ पे आपको सेटिंग के बारे में देखने को मिल जा रहा है, सेटिंग का एक बटन भी देखने को मिल रही है। सबसे दोस्तों चैनल कस्टमाइजेशन पे आप रिडायरेक्ट हो गए हैं, तो इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो भी वीडियो मैं फ्यूचर के लिए जो कि चैनल ट्रेलर के मैं एक वीडियो डाला हूँ, और यहाँ पे फ्यूचर वीडियो पर रिटर्निंग सब्सक्राइबर के लिए भी डाला हूँ, जो कि मेरा सबसे अधिक व्यू आया, तो यहाँ पे आपको सामने देखने को मिल जा रहा है। अभी इसको लगाना कैसा है वो तो आपको यहाँ से देख ही सकते हैं, जो कि चैनल ट्रेलर के ऊपर यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं 3 डॉट का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से चेंज वीडियो कर सकते हैं, रिमूव वीडियो कर सकते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पे नीचे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप यहाँ से रिटर्निंग सब्सक्राइबर के लिए लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पे देखने को यहाँ पे भी 3 डॉट देखने को मिल जा रही है। यहाँ पे चेंज वीडियो और रिमूव वीडियो कर सकते हैं, जो कि आपको अगर एड अगर नहीं रहेगा तो एड वीडियो का ऑप्शन आएगा, बाकी यहाँ पे मेरा है तो दोस्तों चेंज और रिमूव का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप सेक्शन की अगर बात करें तो एड सेक्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करें, तो अगर दोस्तों जो जो भी यहाँ पे पॉपुलर अपलोड के मैं ऊपर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे पॉपुलर और जो कि यहाँ पे जुड़ जाएगा, जो कि सबसे नीचे नहीं था, यहाँ पे पॉपुलर अपलोड्स का भी एक ऑप्शन जुड़ गया। ठीक है,
यहाँ से अलग अलग प्रकार के, जैसे कि पहला शॉर्ट है, दूसरा अपलोड है, तीसरा अपलोड अपलोड्स है। अगर इसको चाहते हैं कि इसको थोड़ा इसको ऊपर करना है, जैसे कि यहाँ से ऊपर कर सकते हैं, तो इसको यहाँ से उठा के ऊपर भी कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों ये था लेआउट के बारे में जो कि आपको इस वीडियो में बताया। उसके बाद से दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, लेआउट, ब्रांडिंग एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तभी हम लोग को दोस्तों करना क्या है, ब्रांडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही ब्रांडिंग के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे दोस्तों पहले ही आपका जो चैनल का लोगो है आप दोस्तों बोल सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर जो कि यहाँ से चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जो कि आपके सामने देखने को मिल जा रही है। यहाँ पे भी दोस्तों ऑप्शन भी देखने को मिल जाए, 98 के यहाँ पे जो भी है 4 MB का जो PNG है वो यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे 98x98 का बनाना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं बैनर इमेज के बारे में देख सकते हैं, यहाँ से बैनर का इमेज चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और सारी मतलब जानकारी यहाँ से देख सकते हैं, इसका भी यहाँ पे साइज दिया गया है, अपने मतलब यहाँ से बैनर कैसे चेंज करना है या दोस्तों कैसे उसको रिमूव करना है, यहाँ लगाना कैसे है, तो यहाँ से आप चेंज करके लगा भी सकते हैं अपने चैनल के लिए बैनर। ठीक है, उसके दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं वीडियो वाटरमार्क। दोस्तों ये होता क्या है कि आप जब भी आप अपने चैनल पर वीडियो बनाते हैं, आप गूगल क्रोम ब्राउज़र से जब भी अपलोड करेंगे तो आपका जब भी वीडियो मतलब यहाँ पे लोगों के पास आ जाएंगे, तो दोस्तों एक ब्रांड जो यहाँ पे लिखा है दी वाटरमार्क अपीयर योर वीडियो राइट हैंड कॉर्नर इन वीडियो फ्लेयर, मतलब यहाँ पे आपको एंड में वीडियो देखने को मिल जाएंगी। ये आपका मतलब ब्रांड है जो कि हर एक वीडियो में ऑटोमेटिक लग सकते हैं, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं चैनल नेम एंड डिस्क्रिप्शन, यहाँ से दोस्तों चैनल नेम का नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका चैनल का नेम है यहाँ से आकर चेंज कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों ये लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ टेक्स्ट ऑन ऑफिशियल में, सनी कुमार गुप्ता वेलकम टू यूट्यूब चैनल वेयर यू कैन फाइंड, यहाँ पे जो भी अपने मतलब इसको एक बोल सकते हैं हिसाब से अबाउट सेक्शन जो कि यहाँ पे लिखना जरूरी होता है। मैं बोलता भी रहता हूँ हर एक वीडियो, जब भी आप सवाल करते हैं तो अबाउट सेक्शन आपको बहुत सारे जितने भी नए यूट्यूबर नहीं लिख रहे तो यहाँ से लिख सकते हैं, चाहे वो कुकिंग हो, गेमिंग हो या दोस्तों वो जो भी टेक्स रिलेटेड यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बिजनेस इंक्वायरी मेल आईडी दे सकते हैं जो कि यहाँ पे अबाउट में देना जरूरी होता है। और दोस्तों यहाँ पे उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखने को मिल जा रही है चैनल URL। ठीक है, यहाँ पे जो भी चैनल का जो भी आपका चैनल का URL है जो कि यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे साइड में कॉपी का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, इस पर कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से चैनल का अपना लिंक किसी को भी शेयर कर सकते हैं, फिलहाल आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। और दोस्तों जब भी यहाँ पे अगर आपका 100 सब्सक्राइबर पूरा भी होता है तो यहाँ पे कस्टमर URL का जो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जबकि आपके जब भी 100 सब्सक्राइबर पूरा होंगे तब। अब उसके नीचे दोस्तों आ जाता है लिंक्स का ऑप्शन, जो कि यहाँ पे एड लिंक दिया गया है, एड लिंक का मतलब दोस्तों ये होता है कि लिंक्स के ऑप्शन पर जब भी क्लिक करें, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पे फेसबुक का लिंक देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से फेसबुक का लिंक दे सकता हूँ और फिर फेसबुक का URL दे सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या टेलीग्राम जो भी मैं बोलता रहता हूँ, तो यहाँ से आप उसका लिंक दे देके एक अच्छा सा मतलब यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों लिखा भी इंडिकेट एंड बीच लिंक योर वुड लाइक डिस्प्ले बैनर चैनल होम पेज, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 लिंक्स हमारे चैनल पर शो होंगे और कंटेंट इन्फॉर्मेशन में अपना एक ईमेल आईडी दे देंगे जो कि यहाँ पे देना सबसे जरूरी होता है। आप दे सकते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी टाइटल के हिसाब से यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी। अब बढ़ेंगे दोस्तों, ये तो आपका हो गया जो कि चैनल के लेआउट के ऑप्शन में, जो कि चैनल कस्टमाइज जैसे रिडायरेक्ट होता है इसके अंदर के बारे में जान गए। अब दोस्तों यहाँ पे देखने को आपको मिल जा रहे हैं सब सेटिंग, तो आपको मालूम चल गया कि आपको क्या क्या यहाँ पे पहले पेज पे मिल जा रहे हैं। अब यहाँ पे आएंगे चैनल का डैशबोर्ड के ऊपर जो कि कोने में आपको लोगों के नीचे में देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ से जो भी चैनल का डैशबोर्ड है यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं, जो कि 22 सब्सक्राइबर है मेरे जो कि इस चैनल पे, और मैं वीडियो अपलोड नहीं करता रहता इस वजह से मेरा सब्सक्राइबर गेन भी बहुत कम थी। और जो भी यहाँ पे रिसेंट सब्सक्राइबर जो भी है यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वहाँ पे यहाँ पे देखने को मिल जा रही है, और यहाँ पे एनालिस्ट भी चेक कर सकते हैं हर एक वीडियो का। ठीक है, अभी हम लोग को करना क्या दोस्तों, क्या हो गया मेरा चैनल का डैशबोर्ड। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें क्रोम ब्राउज़र से वीडियो अपलोड करना नहीं आता, तो यहाँ पे साइड में ही दोस्तों जैसे चैनल का डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइड में एरो का जो ऊपर का निशान दिया गया है इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों मैं क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एक वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके अपने वीडियो को चॉइस करेंगे और दोस्तों यहाँ से वीडियो को सिंपली यहाँ से अपलोड कर देंगे और यहाँ पर टाइटल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। ठीक है, अभी चलो दोबारा हम आते हैं अपने चैनल के डैशबोर्ड पे, देख सकते हैं कि डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं वीडियो अपलोड कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे आपको, जो कि यहाँ पे आपका वीडियो का जो जितने भी वीडियो अपलोड करते हैं आप यहाँ से अपने वीडियो को भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे वीडियो वाला ऑप्शन पर नीचे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कंटेंट बोल सकते हैं इसको यहाँ पे लिखा भी है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों जो भी वीडियो आप गलती करते हैं या दोस्तों कुछ वीडियो में एडिटिंग करना चाहते हैं तो किसी भी वीडियो के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है पंच एनालिस्ट कमेंट एंड यूट्यूब एंड यहाँ से 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके वीडियो को भी डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिखा भी देखिए दोस्तों,
पेंसिल के निशान पर लिखा है एडिट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, जो कि मैं पहले बताया यहाँ पे गेट शेयरेबल लिंक, जो कि यहाँ पे क्लिक करके इसको शेयर भी कर सकते हैं, प्रमोट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इसको भी डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और कंटेंट में जितने वीडियो अपलोड किए हैं सारे वीडियो यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। उसके नीचे दोस्तों आता है प्ले लिस्ट का ऑप्शन, इसके आप ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं जितने भी प्ले लिस्ट बनाया था, जो कि मेरे चैनल पर 3 प्ले लिस्ट है, तो यहाँ पर 3 प्ले लिस्ट आपके सामने शो हो रहे हैं। अब दोस्तों नया प्ले लिस्ट कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कोने में न्यू प्ले लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करके एक नया प्ले लिस्ट भी बना सकते हैं, जो कि आपका हर एक वीडियो में, जैसे कि आप अगर सीरीज के रिलेटेड काम करते हैं तो आप न्यू प्ले लिस्ट पर क्लिक करके अपना चैनल के लिए एक नया चैनल क्रिएट करने के लिए दोस्तों नया प्ले लिस्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गई प्ले लिस्ट के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा नीचे में प्ले लिस्ट के नीचे आ रहा था एनालिस्ट के ऊपर, मैं यहाँ पे एनालिस्ट के ऊपर मैं क्लिक किया, प्ले लिस्ट के नीचे एनालिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक किया था, यहाँ पर देख सकते हैं ओवरव्यू रिच एंगेजमेंट ऑडियंस, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमको ऑप्शन देखने को मिल रही हैं। अभी देखिए दोस्तों कि जो कि मेरा चैनल का ओवरव्यू रिच एंगेजमेंट ऑडियंस जो भी है यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे, कैसे कैसे हमारे चैनल पर व्यू आते हैं, कौन सा वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यू आए हैं, कौन सा मतलब वीडियो अभी डाउनलोड हुआ है मतलब अपलोड हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं ओवरव्यू में आकर रिच में आकर दोस्तों देख सकते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल मतलब जो भी है यूट्यूब का चैनल कितना इंप्रेशन भेजता है, कितने लोग इस पर क्लिक करके देखते हैं, तो सारी सब इन्फॉर्मेशन जो देख सकते हैं, ट्रैफिक सोर्स कहाँ से कहाँ से आते हैं वो भी देख सकते हैं, जो कि दोस्तों दूसरा नंबर पर ट्रैफिक सोर्स एक्सटर्नल यहाँ से चेक कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं। एंगेजमेंट में दोस्तों आकर देख सकते हैं कि वॉच टाइम कितना हुआ है, बाकी सारे एनालिस्ट चेक करते हैं, ऑडियंस के ऊपर आकर देख सकते हैं कहाँ कहाँ ऑडियंस है इस वीडियो को देख रही है, मतलब बहुत कुछ, कितने लोग सब्सक्राइब है, कितने लोग नहीं सब्सक्राइब किए, बाकी सारे मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जो कि एनालिस्ट के ऊपर आता है आपके वीडियो में देखने को मिल जा रहा है आपके चैनल में, उसके नीचे दोस्तों आता है कमेंट का ऑप्शन, जो कि इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, देखिए अपन लिखा भी है कमेंट्स, अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिश और यहाँ पे लिखा है हेल्प फॉर रिव्यू, दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपको समझाने वाला और आई हैव रिस्पॉन्डेड के ऊपर भी क्लिक करके मैं समझाऊंगा इसका ऑप्शन का मतलब क्या क्या होता है। दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं चैनल कमेंट्स एंड मेंशन, जो लोग भी आप कमेंट किए हैं यहाँ पे कमेंट को चेक कर सकते हैं, यहाँ हेल्ड रिव्यू को जो लोग भी दोस्तों लिंक उनको भेजते रहते हैं, जैसे कि दोस्तों बहुत लोग हैं कि यहाँ पे कमेंट की जगह पर अपना लिंक यूट्यूब वीडियो का लिंक डालते हैं, तो यहाँ पे जो भी होगा वो आपको शो नहीं होगा, बस आपको शो यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन दूसरे किसी को भी शो नहीं होगा, तो यहाँ पे जो भी गलत जो भी आपका लिंक होता है यहाँ पे साइड में इसको छटा कर रख दिए जाते हैं। पब्लिश के ऊपर पब्लिश पे देखने को आपको बताया गया कि पब्लिक लोग जितने भी कमेंट करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाता है, और यहाँ पे देखने को कौन से वीडियो में कितने कमेंट आए, कितने लाइक आए, यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके दोस्तों नीचे आता है एग्रीमेंट, जो कि यहाँ पे इसके नीचे मैं क्लिक कर देता हूँ सब टाइटल है, जैसे वो सब टाइटल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिल जा रहा है, जो कि सब टाइटल में यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने टाइटल और टाइटल यहाँ पे डाला गया है, वो सभी वीडियो के बारे में देखेंगे। यहाँ पे नीचे कॉपीराइट के ऊपर मैं क्लिक करके समझा देता हूँ कॉपीराइट, यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा मतलब हमारे चैनल पर कॉपीराइट है कि नहीं है, अगर है तो यहाँ पे रिमूवल का रिक्वेस्ट आ जाता है, न्यू रिमूवल रिक्वेस्ट अगर है तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। रोल का ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं, अभी तो फिलहाल मेरे चैनल पर कोई कॉपीराइट नहीं है इसलिए दोस्तों आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। उसके नीचे दोस्तों आ जाता है, मैं आपको बता दूँ कि मोनेटाइजेशन का ऑप्शन, मोनेटाइजेशन के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक किया तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मोनेटाइजेशन के ऊपर मैं जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको देख सकते हैं रिक्वायर्ड आपके चैनल के लिए क्या क्या है, इसलिए वीडियो में बताया था आपको मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 1000 सब्सक्राइबर, 4000 सब्सक्राइबर और 2 स्टेप वेरिफिकेशन और 0 ट्वीट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, ये सभी चैनल पर दोस्तों देखने ये सब पूरा होना चाहिए, आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं होना चाहिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो होता है दोस्तों इसको कर लेना चाहिए। उसके नीचे दोस्तों फिर दोबारा देख सकते हैं चैनल कस्टमाइजेशन का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि पहले आपको समझा दिया हूँ। सबसे नीचे में दोस्तों आपको देखने को मिल जा रही है जो कि ये यूट्यूब लाइब्रेरी है, यहाँ पे भी आपको समझा दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या करना है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे यूट्यूब लाइब्रेरी में आया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे म्यूजिक है जो कि यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको सुन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साउंड इफेक्ट है, यहाँ पे जो कि साउंड इफेक्ट पे क्लिक करके बहुत सारे साउंड इफेक्ट में यहाँ पे ले सकते हैं, मतलब बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को म्यूजिक साउंड इफेक्ट और स्टार्टर जो भी है यहाँ पे देखने को फ्री म्यूजिक यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि विदाउट कॉपीराइट है, ठीक है, जो कि यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी है। उसके नीचे दोस्तों आ जाता है यूट्यूब की सेटिंग, जो कि इसके ऊपर मैं सिंपली यहाँ से क्लिक कर दे रहा हूँ, और इसके अंदर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल दोस्तों चैनल की जितनी भी सेटिंग थी जो कि पहले बता दिया आप दोस्तों, मेन सेटिंग ये होता है जो कि आपके सामने देखने को मिल जा रही है। जैसे मैं सेटिंग के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर जनरल चैनल एंड अपलोड डिफॉल्ट एंड परमिशन कम्युनिटी एग्रीमेंट, ठीक है, यहाँ पर सभी ऑप्शन देखने को आपको मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा।
तो जैसे कि आप जो सेटिंग के ऊपर क्लिक करें तो हमें जनरल ऑप्शन देखने को मिल जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ करेंसी लिखा है डिफॉल्ट यूनिट के नीचे, जो कि यहाँ पे दोस्तों अपने इंडिया के हिसाब से अगर यूएस डॉलर यहाँ पर सेट है तो आप यहाँ पर इंडिया में जो भी चलते हैं तो यहाँ पर इंडियन रुपये यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, कुछ से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जो कि यहाँ पे आप छोड़ भी सकते हैं या इंडियन रुपये लगा सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे आता है दोस्तों चैनल का ऑप्शन, इसके ऊपर आप लोग को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं बीच में भी आपको तीन सेटिंग मिलेगा चैनल के अंदर, जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडवांस सेटिंग एंड फ्यूचर एलिजिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमारा कंट्री ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि मैं यहाँ पर इंडिया डाला हूँ, आप भी डाल सकते हैं। जहाँ सब वीडियो देख सकते हैं उस कंट्री का नाम देख सकते हैं। और दोस्तों मैं कल का जो कि इस वीडियो में पिछले वीडियो में बताया था, चैनल आपका सर्च लिस्ट में नहीं आता तो अपने चैनल के लिए कुछ कीवर्ड डाल सकते हैं, जो कि आपका चैनल फर्स्ट रैंक पर आ जाए, जो कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपको देखने को यहाँ पे मिल जा रहा है। अभी दोस्तों यहाँ पे उसके बगल में आपको देखने को मिल रही है एडवांस सेटिंग, इस पर मैं क्लिक किया। अब जैसे मैं दोस्तों यहाँ से इसको क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सेटिंग होती है जो कि आप लोग करना अनिवार्य होता है। देख सकते हैं ऑडियंस आता है, उसके बाद दोस्तों लिखा डू यू वांट सेट चैनल मेड फॉर किड्स या नॉट मेड फॉर किड्स। यहाँ पे कोपा की सेटिंग होती है, जो कि यहाँ पे इसको करना अनिवार्य होता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मैं पहले से यहाँ पे लिख दिया हूँ, आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो। मैं अगर यहाँ पे इसको नीचे वाले पे क्लिक कर देता हूँ, जो कि आपको नीचे में देखने को मिल जा रहा है, तो ये हमारा किसी भी वीडियो में बार बार नहीं मांगेगा कि आप ये वीडियो बच्चों के लिए या दोस्तों ये वीडियो बड़े के लिए, तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक हो जाता रहता है। तो यहाँ पे लिख आप भी सेटिंग कर सकते हैं, आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग एवरी वीडियो, तो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक कैप्शन का ऑप्शन, इसमें आप छोड़ सकते हैं। इसके नीचे इंपोर्टेंट सेटिंग देखने को मिल जा रही है, सब्सक्राइबर काउंट, इसको आप लोग ट्रिक अनट्रिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अनट्रिक करके रखा हूँ, क्योंकि हम सब्सक्राइबर अपने किसी को भी दिखाना नहीं चाहता हूँ, आप भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे दोस्तों मोस्ट इसके नीचे कोई इतना बड़ा सेटिंग नहीं है, जो कि अदर सेटिंग जो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होता है उसके लिए है दोस्तों, फिलहाल इसके बारे में समझाने वाले नहीं हूँ। ठीक है, चैनल के ऊपर एडवांस सेटिंग हो गया। अब फ्यूचर एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्लिक किया तो दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा जो भी मतलब यहाँ पे सर्विस है सब इनेबल है। अगर दोस्तों अगर नया चैनल बनाते हैं, अगर आप लोग नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे इनेबल करना सबसे जरूरी होता है। यहाँ से अपने चैनल का वेरीफाई भी कर सकते हैं फ्यूचर एलिजिबिलिटी में आके। आपको बता दिया कि यहाँ पे कैसे कैसे अपने मतलब यहाँ से अपलोड वीडियो कर सकते हैं, मतलब अपने चैनल का वेरीफाई भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे दोस्तों आता है अपलोड डिफॉल्ट, इसके ऊपर मैं ऊपर जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन और एडवांस सेटिंग्स में भी देखने को मिल जा रही है, जो कि मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में डिस्क्रिप्शन में जो भी है यहाँ पे डाल कर रखा हूँ, क्योंकि हर एक वीडियो जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सारे वीडियो में ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाए। तो दोस्तों यहाँ से आप लिख सकते हैं अपने चैनल के लिए। ठीक है, बाकी जो भी मैं वीडियो अपलोड होने के बाद भी थोड़ा बड़ा बचा रहता तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि अपने चैनल के लिए लिख सकते हैं। यहाँ से प्लेलिस्ट आपको चुनने के लिए आ जाएगा। टैग में दोस्तों मैं टैग पहले से लगा कर रखा हूँ, जो कि यहाँ पे जब भी वीडियो अपलोड करो तो सारे टैग है ऑटोमेटिक हमारे वीडियो में लग जाए। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, लिख दिया हूँ तो आप भी लिख सकते हैं। बाकी आप अगर नहीं चाहते तो इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, बाकी यहाँ से डिलीट करके सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि पूरा डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये अपना मतलब जो भी अपलोड डिफॉल्ट के अंदर है तो सेटिंग कर सकते हैं। आप बात करेंगे अपने इसी वीडियो में एडवांस सेटिंग जो बगल में आता है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे सर्विस देखने को आपको मिल जा रहे हैं। तो सब वीडियो अपलोड करेंगे तभी भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए, वहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। किसी भी वीडियो को लाइसेंस देना, यूट्यूब लाइसेंस देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं। कॉपी कॉमन क्रिएटिव कॉमन करना चाहते हैं इस पर क्लिक करके क्रिएटिव कॉमन के ऊपर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अभी दोस्तों उसके नीचे आते हैं परमिशन, जो कि साइड में परमिशन है, इसके ऊपर मैं क्लिक किया। ठीक है, अब जैसे दोस्तों मैं यहाँ परमिशन के ऊपर मैं क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कि मेरा नेम रोल है, जो कि हमारा टेक्सानी ब्लॉग्स, जो कि इस चैनल के नाम से हमारा चैनल चलता है। आप किसी को देना चाहते हैं कि नहीं, अगर मेरे से चैनल नहीं चल पाता है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल किसी और कोई और चलाए, तो यहाँ पे इनवाइट पे क्लिक करके उसको मिल जाएगा और वहाँ से एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो आपका चैनल का जितना भी सर्विस है वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, कम्युनिटीज का जो ऑप्शन देखने को मिल जा रहे हैं, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक कर दोस्तों, तो इसमें बहुत सारे सेटिंग होते हैं कि जो कि आपको करना अनिवार्य है, जो कि सबसे पहले मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग जो है कि यहाँ पे ब्लॉक लिंक्स है, जो कि हमें ये करना जरूरी होता है कि जो भी अपना यूट्यूब चैनल के ऊपर जो भी लिंक कमेंट करते हैं तो यहाँ हमारे सामने नजर नहीं आएगा। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कमेंट में गाली देते हैं, तो यहाँ से बहुत सारे वर्ड यहाँ से उस गाली का जो भी वर्ड है इसमें आके वो लिख देना है, जो कि मतलब यहाँ पे मतलब बोलते हैं कि यहाँ पे नॉर्मली चीज जो देता रहते हैं तो उस गाली का जो मेन पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको कर सकते हैं, डिफॉल्ट में कोई बड़ी वो नहीं है, बाकी सब यहाँ पे जो है ये सब रहना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं एग्रीमेंट के ऊपर। आपको देख ही सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कुछ उतना सर्विस नहीं है, जो कि पूरा बताया दिया इसमें कुछ सर्विस नहीं है कि आपके आगे के बारे में समझाओ। ठीक है, ये थी पूरी यूट्यूब की सेटिंग जो कि इस वीडियो में आप लोग को समझा दिया। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ सेटिंग किया जो कि आपको बता दिया। अब आ जाते हैं सीधे अपने YouTube के मेन डैशबोर्ड पे, जो कि आपको समझाने के लिए और इस वीडियो में पूरी डिटेल में बता दिया तो कौन कौन सी सेटिंग आप लोग चैनल के ऊपर करना है, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। जो नए YouTube चैनल बनाते हैं उनके लिए दोस्तों YouTube
जो सेटिंग है उसको करना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो कि आज की इस वीडियो में आप लोग को बताया कि यूट्यूब के चैनल की सेटिंग कैसे करते हैं 2022 में। तो ये वीडियो में उम्मीद करूंगा कि आप लोग सीख गए होंगे, और जो भी न्यू यूट्यूबर है इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप दोस्तों वीडियो को कुछ भी सीखने को मिलेंगे तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों आप लोग के मन में जो भी सवाल होते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन जरूर कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। उम्मीद करेंगे दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।